Good morning. Unfold You Independent Educational Counselor Compensation System में आपका स्वागत है। मैं जिस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, और ये सुनहरा मौका आपके पूरे परिवार के लिए खुशहाली और संपन्नता के नए दरवाजे खोल सकता है। अनफोल्ड यू आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का काम करता है। इससे पहले कि हम अनफोल्ड यू के जीवन बदलने वाले इस अवसर को पूरी तरह से समझें, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें, ताकि आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को डिटेल में समझ सकें। अब एक खास बात, हमारे लिए अनफोल्ड यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर डिस्क्लेमर पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, जहां इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम से संबंधित सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को समझने के लिए www.myunfoldyou.com वेबसाइट विजिट करें। अनफोल्ड यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम हमारे और हमारे पूरे परिवार के सारे सपने सच करने का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। जीवन में हम अच्छी इनकम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और हम जो भी काम कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई सपना जरूर है। आज मैं जो अवसर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपका हर सपना पूरा कर सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग, यानी पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन में हर काम को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अनफोल्ड यू कंपनसेशन सिस्टम सिर्फ पैसा ही नहीं, ये आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन और वो सब कुछ दे सकता है जो आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। आइए अनफोल्ड यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। अनफोल्ड यू की शुरुआत श्री हरीश बजाज जी ने की है, जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। अनफोल्ड यू एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे आज हर तरफ प्रशंसा मिल रही है, और समाज और शिक्षा के लिए इसी जिम्मेदार पहल के कारण अनफोल्ड यू ग्रुप को बिजनेस कनेक्ट और CIO रिव्यू जैसी विश्व प्रसिद्ध मैगजीन्स में सराहा गया है। इतना ही नहीं, अनफोल्ड यू के विजन और मिशन के महत्व को समझते हुए इन दोनों ही मैगजीन्स ने अनफोल्ड यू ग्रुप को विशेष रूप से अपने कवर पेजेस पर पब्लिश किया, और इतना ही नहीं, अनफोल्ड यू ग्रुप को विश्व प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की वेबसाइट www.forbes.com पर आने का मौका मिला, जो अनफोल्ड यू ग्रुप के लिए एक अद्भुत और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है। अनफोल्ड यू का विजन है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से टीचिंग और लर्निंग को हर स्तर पर बहुत ही आसान और कारगर बनाना, ताकि शिक्षा का सही उद्देश्य पूरा हो सके। और अनफोल्ड यू का मोटो है कि डिटेल्ड और वेल रिसर्च्ड डिजिटल स्टडी मटेरियल को हर एक स्टूडेंट तक आसानी से पहुंचाना, ताकि हर स्टूडेंट के स्टडी रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अनफोल्ड यू एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो रजिस्टर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और जिसके सब्सिडरी ऑफिसेस हैं इंडिया और कनाडा में। इंडिया का हेड ऑफिस मोहाली, पंजाब में स्थित है। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी बात रखने जा रहा हूं, और वो ये कि अगर हम एक ट्रेडिशनल स्कूल बिजनेस की बात करें, तो एक अच्छा सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए हमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि करोड़ों रुपयों में हो सकती है, जिसमें स्कूल बिल्डिंग, लैंड और स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ चाहिए। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने होंगे, और उस पर कंपटीशन। और ये सब करने के बाद भी हम एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दे सकते हैं, और हाँ, यहां स्कूल में हम एक ही एजुकेशन बोर्ड पढ़ा पाएंगे। वहीं अनफोल्ड यू डिजिटल स्कूल के रूप में अनफोल्ड यू आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, जहां बिना किसी बिल्डिंग के और बिना कोई स्टाफ अपॉइंट किए, आप एक स्टेबल और परमानेंट वेंचर या अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी फिक्र के
अनफोल्ड्यू के साथ हम एक ऐसा डिजिटल स्कूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहां हम अनलिमिटेड स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, और वो भी पूरे इंडिया में कहीं भी, और आने वाले समय में दुनिया के उन सारे देशों में आप काम कर पाएंगे जहां जहां अनफोल्ड्यू एक्सपेंड करने वाला है। आइए अनफोल्ड्यू डिजिटल स्कूल के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इसके लिए आपको www.myunfoldyou.com वेबसाइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर यानी कि IEC के रूप में अनफोल्ड्यू के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अनफोल्ड्यू कंपनसेशन सिस्टम में सबसे पहले आप एक ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर यानी TEC के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हैं। अब आपको सबसे पहले ऑनलाइन इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अवेल करना है और अपने आप को एज इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर सर्टिफाई करवाना है। इसके लिए आप IEC डैशबोर्ड पर ट्रेनिंग मैनुअल्स में अवेलेबल IEC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को देखें, समझें और ट्रेनिंग मैनुअल्स में अवेलेबल सभी डॉक्यूमेंट्स को, प्रेजेंटेशंस को और वीडियोस को डिटेल में स्टडी करें, और अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद IEC सर्टिफिकेशन असेसमेंट टेस्ट अटेम्प्ट करें। ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आप सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर बन जाते हैं, और अब IEC सर्टिफिकेशन बैच आपके IEC डैशबोर्ड में दिखाई देने लगता है। आइए अब हम अनफोल्ड्यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। अनफोल्ड्यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम में चार तरह की इनकम्स अवेलेबल हैं। रिटेल सेल्स कमीशन यानी RSC, रैंक ओवरराइड बोनस मतलब ROB, लीडरशिप जनरेशन बोनस यानी LGB और एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल यानी ERP। इससे पहले कि हम इन सभी इनकम्स को डिटेल में समझें, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सभी इनकम्स की कैलकुलेशन एजुकेशनल पॉइंट्स यानी EP के अनुसार की गई है, और एक EP का मतलब है 1,000 रुपए यानी 1 EP इज इक्वल टू ₹1,000। साथ ही साथ सभी इनकम्स को एक्सप्लेन करने के लिए 6th to 12th क्लास के एक सिंगल अनफोल्ड्यू पैकेज का एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है, जिसके लिए 10 EPs यानी 10 EPs कैलकुलेट किए जाते हैं। आइए अब हम अनफोल्ड्यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम की सभी इनकम्स को डिटेल में समझते हैं। रिटेल सेल्स कमीशन यानी RSC। रिटेल सेल्स कमीशन उन सभी सेल्स पर आपको मिलता है जो आप अपनी पर्सनल IEC ID से करते हैं, और रिटेल सेल्स कमीशन आपके रैंक के अनुसार 20% से 40% तक हो सकता है। जब आप अनफोल्ड्यू के साथ अपना करियर शुरू करते हैं तो आप ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर यानी TEC होते हैं। ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर के लिए रिटेल सेल्स कमीशन 20% होता है। ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर के लिए IEC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेल करना और अपने आप को IEC के रूप में सर्टिफाई करवाना अनिवार्य है। जैसे ही आप IEC के रूप में सर्टिफाई होते हैं, आपके IEC डैशबोर्ड में आपको एक IEC सर्टिफिकेशन बैज दिखाई देने लगता है, और अब आप नेक्स्ट रैंक्स की प्रमोशन के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपका हर रैंक की प्री डिफाइंड क्वालिफिकेशन को पूरा करना अनिवार्य है। अनफोल्ड्यू कंपनसेशन सिस्टम में नेक्स्ट रैंक्स को अचीव करने की कोई समय सीमा नहीं है, यानी आप जितनी जल्दी चाहें और जब चाहें सीनियर रैंक्स को हासिल कर सकते हैं। ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर के बाद जब आप एजुकेशनल काउंसलर यानी EC बनते हैं तो आपका रिटेल सेल्स कमीशन 25% हो जाता है। इसी तरह सीनियर एजुकेशनल काउंसलर यानी SEC बनने के बाद आपका रिटेल सेल्स कमीशन होता है 30%, और इसी तरह से एजुकेशनल डायरेक्टर यानी ED बनने पर आप रिटेल सेल्स कमीशन की 35% की कैटेगरी में आ जाते हैं, और नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर यानी कि NED बनने के बाद आपका रिटेल सेल्स कमीशन होता है 40%। अब हम ये जानते हैं कि ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर से लेकर नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर तक अलग अलग रैंक्स के क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर के रूप में अपनी पर्सनल IEC ID से
मिनिमम 10 ईपीस की एक सेल या कॉम्बो सेल्स करने के बाद आप अपने आईईसीज की टीम्स को डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर से एजुकेशनल काउंसलर यानी टीईसी से ईसी बनने के लिए आपको 60 पीईपीस यानी 60 पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट्स की या फिर 120 टीईपीस मतलब 120 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स की जरूरत होती है। और एग्जांपल के लिए अगर आप 6th टू 12th क्लास के अनफोल्ड यू पैकेजेस को सेल करते हैं तो ऐसी 6 पर्सनल सेल्स या फिर 12 टीम सेल्स के बाद आप ईसी यानी कि एजुकेशनल काउंसलर बन जाते हैं। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि 6th टू 12th क्लास के अनफोल्ड यू पैकेज की एक सेल के लिए 10 ईपीस कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी तरह एजुकेशनल काउंसलर से सीनियर एजुकेशनल काउंसलर यानी ईसी से एसईसी बनने के लिए आपको 60 पीईपीस की सेल करनी जरूरी है या फिर आप 6 पर्सनल सेल्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी टीम में 240 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स जनरेट होते हैं या फिर आपकी टीम में 24 सेल्स होती हैं तो भी आप एजुकेशनल काउंसलर से सीनियर एजुकेशनल काउंसलर बन जाते हैं। और इसी तरह सीनियर एजुकेशनल काउंसलर से एजुकेशनल डायरेक्टर यानी एसईसी से ईडी बनने के लिए आपको 60 पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट्स या 6 पर्सनल सेल्स करनी जरूरी है या फिर 360 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स या फिर 36 टीम सेल्स करनी आवश्यक है। और अब एजुकेशनल डायरेक्टर से नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर बनने के लिए यानी कि ईडी से एनईडी बनने के लिए आपको एजुकेशनल डायरेक्टर के रैंक पर 60 पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट्स की सेल करनी आवश्यक है या फिर 6 सेल आपको करनी होती है। इसके अलावा अगर टीम की बात करें तो 480 यानी कि 480 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स जनरेट करने जरूरी है या फिर 48 यानी 48 टीम सेल्स करने के बाद आप नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर बन जाते हैं। और नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर यानी एनईडी बनने के बाद आप 40% रिटेल सेल्स कमीशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस एग्जांपल में हमने जो पर्सनल सेल्स और टीम सेल्स कंसीडर की हैं, वो 6th टू 12th क्लास के पैकेजेस हैं, जिनमें एक क्लास के लिए 10 ईपीस कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ ये बात जाना बहुत ही स्पेशल और एक्साइटिंग है कि 6th टू 12th क्लास के 24 बच्चों को डायरेक्टली पैकेजेस सेल करने के बाद आप एनईडी यानी कि नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर बन जाते हैं और अपना 24 बच्चों का एक डिजिटल स्कूल रन करके 24 बच्चों के मेंटर बनते हैं। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अनफोल्ड यू कंपनसेशन सिस्टम के डिफरेंट रैंक्स की प्रमोशन के लिए आपके रिक्वायर्ड ईपीस का केवल 50% ही आपकी पर्सनल सेल्स में से और 50% ही आपकी टीम सेल्स में से कंसीडर किया जाता है। और एक स्पेशल बात वो ये कि रिटेल सेल्स कमीशन की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें अपने काम के आधार पर आप उतना रिटेल सेल्स कमीशन अर्न कर सकते हैं। अगली इनकम है रैंक ओवरराइड बोनस यानी आरओबी। रैंक ओवरराइड बोनस एक ऐसी इनकम है जो आपके और आपकी टीम के डिफरेंट आईईसीज जो अलग अलग रैंक्स पर होते हैं उनके रिटेल सेल्स कमीशन के डिफरेंस के आधार पर आपको प्राप्त होती है। अगर आप टीईसी यानी कि ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर हैं तो अभी आपको सिर्फ रिटेल सेल्स कमीशन ही प्राप्त होता है, टीईसी रैंक पर रैंक ओवरराइड बोनस प्राप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप ईसी यानी कि एजुकेशनल काउंसलर बन जाते हैं तो आपकी टीम में जो टीईसीज हैं यानी कि ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर हैं उनके और आपके रिटेल सेल्स कमीशन का जो डिफरेंस है वो आपको आरओबी यानी कि रैंक ओवरराइड बोनस के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह आप एजुकेशनल काउंसलर के रूप में 25% रिटेल सेल्स कमीशन पर होते हैं और आपकी टीम में ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर्स 20% रिटेल सेल्स कमीशन पर होते हैं। तो अब हर ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर से जो रैंक ओवरराइड बोनस आपको मिलता है वो होता है 5%। इसी तरह जब आप सीनियर एजुकेशनल काउंसलर होते हैं तो आपका रिटेल सेल्स कमीशन होता है 30%। अब आपको अपनी टीम में
हर TEC यानी कि ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर जो 20% रिटेल सेल्स कमीशन पर होता है उससे 10% ROB और हर एजुकेशनल काउंसलर यानी EC जो 25% रिटेल सेल्स कमीशन पर होता है उससे 5% ROB प्राप्त होता है। बिल्कुल इसी तरह एजुकेशनल डायरेक्टर और नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर बनने पर आपको अपनी टीम के डिफरेंट IEC से उनके रैंक्स के अनुसार आपके और उनके रिटेल सेल्स कमीशन के डिफरेंस के आधार पर रैंक ओवरराइड बोनस मिलता है। आपकी IEC टीम जितनी बड़ी होगी आपका रैंक ओवरराइड बोनस उतना ही ज्यादा होगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रैंक ओवरराइड बोनस अपने आप में एक बहुत स्पेशल और बड़ी इनकम हो सकती है। नेक्स्ट इनकम है लीडरशिप जनरेशन बोनस यानी LGB। लीडरशिप जनरेशन बोनस आपको मिलता है फ्रॉम 7 generations ऑफ NEDs इन योर टीम्स। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपकी बहुत सी टीम्स हो सकती हैं और हर एक टीम में सीनियोरिटी के हिसाब से 7 generations तक जितने भी NEDs होते हैं उन सभी NEDs के टोटल एजुकेशनल पॉइंट्स के टर्नओवर का एक प्रीडिफाइंड परसेंटेज आपको लीडरशिप जनरेशन बोनस यानी कि LGB के रूप में मिलता है। लीडरशिप जनरेशन बोनस के लिए आपका खुद नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर यानी कि NED होना आवश्यक है। फर्स्ट जनरेशन NEDs से जो लीडरशिप जनरेशन बोनस आपको मिलता है वो उनके एजुकेशनल पॉइंट्स के टर्नओवर का 5% होता है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन NEDs से जो लीडरशिप जनरेशन बोनस आपको मिलता है वो उनके एजुकेशनल पॉइंट्स के टर्नओवर का 1% यानी कि 1% होता है। NEDs की 6th और 7th जनरेशन से जो लीडरशिप जनरेशन बोनस आपको मिलता है वो उनके एजुकेशनल पॉइंट्स के टोटल टर्नओवर का 0.5% हुआ करता है। इस तरह टोटल 10% लीडरशिप जनरेशन बोनस IECs यानी कि इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर्स के लिए अनफोल्ड यू कंपनसेशन सिस्टम में उपलब्ध है। लीडरशिप जनरेशन बोनस एक ऐसी स्पेशल इनकम है जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन इनकम पोटेंशियल ऑफर करती है। नेक्स्ट इनकम है एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल यानी ERP। एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल अनफोल्ड यू कंपनसेशन सिस्टम की एक बहुत ही शानदार और अद्भुत इनकम है। एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी डीन, वाइस चांसलर और चांसलर रैंक के IECs को कंपनी के टोटल एजुकेशनल पॉइंट्स के टर्नओवर में से क्वालिफिकेशन के आधार पर प्राप्त होती है। अनफोल्ड यू कंपनसेशन सिस्टम में टोटल एजुकेशनल पॉइंट्स का 5% एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल के रूप में उपलब्ध है। इस टोटल 5% एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल का 40% डीन रैंक्स को, 40% वाइस चांसलर रैंक्स को और 20% चांसलर रैंक्स को उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार प्राप्त होता है। आइए अब हम डीन, वाइस चांसलर और चांसलर रैंक्स की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डीन बनने के लिए आपको क्यूमुलेटिवली 10,000 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। वाइस चांसलर बनने के लिए आपको क्यूमुलेटिवली 50,000 यानी कि 50,000 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स की जरूरत होती है। और इसी तरह चांसलर बनने के लिए आपको क्यूमुलेटिवली 1,00,000 टीम एजुकेशनल पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। यहां यह जानना बहुत ही जरूरी है कि रैंक प्रमोशंस के क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज के अनुसार रिक्वायर्ड एजुकेशनल पॉइंट्स का केवल 50% ही पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट्स में से और 50% ही किसी एक टीम के टोटल एजुकेशनल पॉइंट्स में से कैलकुलेट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक शानदार इनकम पोटेंशियल के साथ अनफोल्ड यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम किस तरह आपको एक बेहतरीन और अद्भुत करियर ऑफर करता है। और अब IEC यानी कि इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर के लिए कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले आपको ऑनलाइन IEC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेल करना और अपने आप को सर्टिफाई करवाना आवश्यक है। साथ ही साथ आपके पास एक लैपटॉप और चार्जर का होना भी अनिवार्य है। आपके पास अनफोल्ड यू ऑफलाइन डेटा के साथ एक एक्सटर्नल ड्राइव का होना भी जरूरी है। और साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी काउंसलिंग्स पर जाएं तो आप
फॉर्मल ड्रेस में हो और एक टाई अगर आप अपनी ड्रेस में शामिल करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा बेहतर बनती है। आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन चार्जर के साथ होना बड़ा जरूरी है जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी हो। आपके पास एक डायरी, पेन और इंटरनेट डोंगल का होना भी जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग्स पर आपको अनफोल्ड यू के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल्स शो करने हैं। आपको एक बात याद रखना बड़ा जरूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी यानी अपना व्यक्तित्व हमेशा बहुत ही बेहतर, हाइजीनिक और जेंटल बनाकर रखें। इसके लिए आप एक जेंटल डियो या परफ्यूम का यूज कर सकते हैं। आपके बालों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना भी आपके लिए जरूरी है और हमेशा याद रखें कि आपके शूज पॉलिश्ड होने चाहिए। जब भी आप काउंसलिंग पर जाएं तो आप अनफोल्ड यू का अपना पर्सनल टैग पहनकर जाएं और आपके पास आपके विजिटिंग कार्ड्स का होना भी जरूरी है। इन सभी बातों को एज इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर आपको फॉलो करना है जिससे आपको हर काउंसलिंग में बेहतर रिजल्ट्स मिलें। अनफोल्ड यू से अर्निंग्स करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की असेंशियल फॉर्मेलिटी को जरूर पूरा करें। केवाईसी पूरा करने के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक की कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी और अपनी पर्सनल लेटेस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफ अपलोड करें। ऐसा करने में आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प भी ले सकते हैं और आपसे अनुरोध है कि अनफोल्ड यू इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर कंपनसेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने के लिए सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ें। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जानने के लिए आप www.myunfoldyou.com वेबसाइट विजिट करें। आपके और आपके पूरे परिवार के बहुत से सपने हैं। कुछ सपने साधारण हैं और कुछ सपने वाकई बहुत बड़े हैं। अनफोल्ड यू उन सारे सपनों को सच करने का एक बहुत ही बेहतरीन और भरोसेमंद साधन है। अनफोल्ड यू से आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पैसे से भी हासिल नहीं कर सकते, यानी नेम, फेम और पीस ऑफ माइंड के साथ टाइम फ्रीडम। अनफोल्ड यू आपको देता है एक लग्जरी लाइफस्टाइल और एक कंप्लीटली सक्सेसफुल लाइफ। अनफोल्ड यू में आपका स्वागत है। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही www.myunfoldyou.com विजिट करें। धन्यवाद।